नमस्कार, टारगेट विद आलोक इंस्टीट्यूट के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आज हम लोग संविधान में भारत के नाम को लेकर दायर याचिका के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तान की विविधता सामाजिक आर्थिक पहलुओं के अलावा इसके नामों से भी साफ दिखाई देता है। प्राचीन काल से अब तक हमारे देश को भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान व इंडिया जैसे अनेक नामों से जाना गया। कभी भाषाई आधार पर तो कभी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इसके नाम को बदला गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब साफ है कि संविधान के अनुसार देश का नाम इंडिया और भारत है। इसी के मद्देनजर हाल ही में दिल्ली के किसान ने नमः नाम से सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर किया और संविधान के इसी अनुच्छेद में परिवर्तन की मांग कर डाली। दरअसल याचिकाकर्ता का कहना है कि देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत होना चाहिए, क्योंकि इंडिया नाम अंग्रेजों की गुलामी को बयां करता है। याचिका की माने तो देश का नाम भारत करने से लोगों की राष्ट्रीय भावना में बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि देश को एक अलग पहचान भी मिलेगी। यह पहली बार नहीं है जब देश के नाम को परिवर्तित करने की याचिका दायर की गई है। साल 1948 में संविधान के अनुच्छेद 1 के मसौदे पर बहस करते हुए एम अनंत शयनम अयंगर और सेठ गोविंद दास ने देश का नाम इंडिया रखने का पुरजोर विरोध किया था। इन्होंने देश का नाम भारत, भारतवर्ष और हिंदुस्तान रखने का सुझाव दिया था। वो बात अलग है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वक्त बीता और साल 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसी ही याचिका दायर की गई। इस याचिका को संज्ञान में लेते हुए तब के मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने कहा कि देश का हर नागरिक अपने अनुसार देश का नाम ले सकता है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पहले और अब भी विश्व के तमाम देशों और शहरों का नाम बदला जा रहा है, ऐसे में हमारे देश का नाम भी भारत अपनाया जाना चाहिए।